गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे और आपके मौर्य साम्राज्य के प्रति समझ में वृद्धि हो रही होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे कला और मौर्य साम्राज्य के पतन के सेक्शन पे। दो बातों को आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले संदर्भ में देखेंगे मौर्य कला। मौर्य कला, देखो जितने लोग आप लोग मौर्य कला पढ़ते हो सीधे सीधे शुरू हो जाते हो कि दरबारी कला, लोक कला, स्तंभ कला, ये सारी बातें करते हैं। हम कुछ अन्य बातों की भी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जो सामान्यतः लोगों का ध्यान नहीं रहता। आइए बात करते हैं। यानी इस मौर्य कला को प्रभावित करने वाले जो तत्व रहे हैं उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जो प्रभावित करने वाले तत्व थे। कौन कौन से कारक थे जिन्होंने मौर्य कला को प्रभावित किया, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। आपको बताएं, पहला आपने अभी प्रशासन को पढ़ा। प्रशासन में आपने क्या देखा कि मौर्य जो प्रशासन था वो एक तरह से उच्च स्तरीय केंद्रीकरण था, ये आपने पढ़ा। अब आप कहेंगे कि सर उच्च स्तरीय केंद्रीयकरण को आप कला से कैसे जोड़ देते हैं, तो आइए मैं दिखाता हूं कैसे जोड़ते हैं। केंद्रीकरण का मतलब यह हुआ कि हर एक सेक्शन पे, हर एक विभाग पे क्या होगा कि राजा का नियंत्रण होगा, होगा ना, तो क्या कला का क्षेत्र नहीं होगा? और जब कला के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण होगा तो वो दिखाई देगा किसमें? दरबारी कला में। और अगर आज के डेट में अब हम आपसे पूछें कि मौर्य कला का सबसे प्रमुख अभिलक्षण क्या होगा, तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर दरबारी कला होगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा केंद्रीयकरण कहीं दिखा ही नहीं, इतना ज्यादा केंद्रीय नियंत्रण नहीं दिखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे तो कला में भी वो नियंत्रण दिखाई देगा जो कि दरबारी कला के रूप में दिखाई देगा। श्योर? एक दूसरे पहलू पर जरा आप विचार करिए। जैसे मान लीजिए कि जो टैक्सेशन व्यवस्था थी, उच्च कर व्यवस्था थी, उच्च कर प्रणाली थी, अर्थशास्त्र के अंदर वर्णित करों को ना भी लिया जाए तो आप देखोगे कि टैक्सेशन सिस्टम पर्याप्त था। अगर राज्य अधिक कर ले रहा है तो क्या जनता के पास कृषि का, जो जनता के पास इकोनॉमी का जो अधिशेष होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? जाहिर सी बात है कम होगा। तो जो नागरिकों की बचत होगी वो बहुत कम होगी, याद रखिएगा नागरिकों की बचत कम होगी। और जब बचत कम होगी तो जाहिर सी बात है जो लोक कला, अब देखो इस इकोनॉमी को हम आर्ट में जोड़ रहे हैं, तो जब आपके पास बचत कम है तो जाहिर सी बात है कला का जो सेक्शन होगा, जो लोक कला होगा, वो हल्का सा डिम हो जाएगा। होगा तो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा मौर्य कला में, राइट। और तीसरी बात अगर आप देखोगे उस समय में तो सॉरी, जो राज्य का धर्म है, राज्य ने जिस धर्म को संरक्षण किया, क्योंकि राज्य का धर्म तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन राज्य के शासकों की धार्मिक निष्ठा, शासकों की धार्मिक निष्ठा भी अभिव्यक्त होगी, धार्मिक निष्ठा भी अभिव्यक्त होगी किसमें? राज दरबारी कला में। क्लियर है? अब इन सेगमेंट को उठा करके अगर आपने मौर्य कला को इन बिंदुओं से, इन कारकों को जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, परफेक्शन की तरह से होगा। इसके बाद आप जानते हैं, ये जान लीजिए कतई कि इतने फिट लंबा था, इतने फिट चौड़ा था, इस चीज को लिखने से नंबर नहीं मिलने वाला है। श्योर? तो आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअली मौर्य कला का कैसे विकास हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मौर्य कला को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप ये कह सकते हैं कि मौर्य कला को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला तो दरबारी कला, जो कोर्ट आर्ट रहा, दरबारी कला रहा,
केंद्रीय नियंत्रण में रहा, और ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कला के क्षेत्र में कला वो अच्छी मानी जाती है, संस्कृति वो अच्छी बात है मानी जाती है जिसमें सबकी अभिव्यक्ति हो सके, लेकिन फिलहाल इस पहलू को हम नहीं देखते हैं। दरबारी कला और उसके बाद लोक कला देखते हैं, फोक आर्ट, लोक कला। और जो दरबारी कला के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके तीन पहलू आपको मिलेंगे। पहला तो मौर्यों का राज प्रासाद, आइए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसकी रचना करेंगे, राज प्रासाद की बात करेंगे। दूसरी बात, मौर्यों के स्तंभ लेख, मौर्यों का स्तंभ लेख, और फिर स्तूप की बात करेंगे। और लोक कला में जो विभिन्न स्थानों से, जैसे मथुरा है, पटना है, दीदारगंज है, इन विभिन्न स्थलों से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे, इन मूर्तियों की चर्चा करेंगे, लोक कला में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला सेक्शन उठाते हैं, राजप्रसाद को उठाते हैं। आइए बताएं, जो राजप्रसाद मौर्यों का था उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो मौर्यों का राजप्रसाद था वो, उसके जो साक्ष्य हैं पटना के कुम्हार गांव से प्राप्त हुए हैं। और इसकी अगर आप रचना देख लें और कौटिल्य के दिशा निर्देश देख लें तो उनके हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। कौटिल्य के निर्देशों को पूरी तरह से यहाँ आपको पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी देखें कहाँ कहाँ से हुआ, कैसे था। तो वास्तव में जैसा कि बताता है ये कि जो पाटलिपुत्र के साइज एकदम जानने की जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र के पहले तो चारों तरफ आप देखेंगे तो लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी, 700 फीट ये खाई थी, यानी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। ये राजप्रसाद के सेक्शन को समझिए, 700 फीट खाई थी चारों तरफ। और जैसे ही आप जाएंगे तो जो ये आप देखेंगे कि लकड़ी का या चारों तरफ इसमें आप दीवाल देखेंगे और इनमें जगह जगह सुराख है धनुष बाण चलाने के लिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चौसठ दरवाजे और 570 बुर्ज मिलते हैं आपको, 64 दरवाजे और 570 बुर्ज मिलते हैं। अंदर आप देखेंगे तो आपको कई तालाब दिखाई देंगे, सरोवर दिखाई देंगे। और इन ये जो सरोवर है उद्यान के बीच में है, यानी पेड़ आपको दिखाई देंगे। एक कल्पना कर सकते हैं आप, शॉर्ट में ड्रा भी कर सकते हैं, जितना आप फास्ट ड्रा करें। आजकल क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा लिखने रहते हैं तो टाइम आप बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक तो आप बना ही सकते हैं। और उसके बाद एक विशाल सा भवन आपको मिलेगा, इसमें 300 से भी अधिक कमरे हैं, कमरों पे आप देखेंगे अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, यानी इस जो राजप्रसाद है
आपको इस राजप्रसाद में सबसे पहली चीज तो दिखाई देगी जो इसके जो प्रमुख फीचर्स हैं, अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित थे, ये सुरक्षित दुर्ग की तरह से थे। आप जानते रहिए कि लकड़ी का पर्याप्त प्रयोग हुआ है, लकड़ी का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा कि राजप्रसाद में लकड़ी के प्रयोग से बचने की सलाह दिया है किसने? कौटिल्य ने। लेकिन उस सलाह के बावजूद परंपरा के हिसाब से आप ये कह लीजिए या तकनीक के हिसाब से वहां पे काष्ठ कला का प्रयोग हुआ और अंदर के चौखटों पर चांदी की बल्लरियां बनी हुई हैं, चांदी के तोते बने हुए हैं या फिर पशु पक्षियां बनी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं लकड़ी का प्रयोग हुआ है और चांदी का वर्क मिलेगा आपको, चांदी की वल्लरियां हैं सजावट के रूप में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी, भव्यता दिखाई देती है, आप ग्लोरीनेस, आप निश्चित आप रूप मान के चलिए कि ना तो ये साइज याद रहती है और ना याद रखने की जरूरत है, ना तो इससे कोई आपसे विशेष अपेक्षा रखती है, बशर्ते आप इन पॉइंट्स को देख लें, जान लें, इतना पर्याप्त होता है। और निश्चित रूप से आप ये जानते रहिए कि इसमें ये बात कही गई कि जो यूनानी लेखक हैं वो इस बात को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो राजप्रसाद था वो क्या था, ईश्वर के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ है। ठीक है? और यूनान के जो क्या कहते हैं राजाओं से तुलना किया गया तो भी इसे आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो तुलना है वो काफी सकारात्मक दृष्टिकोण से की गई है। तो ये राजप्रसाद का पार्ट रहा इसका। क्लियर है? दूसरी चीज, आइए हम लोग दूसरा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और वो जो सेकंड पार्ट है वो बात हो गई आपकी स्तंभ कला की, बात करते हैं। अगर देखा जाए तो अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, स्तंभ कला की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कला। देखो दो प्रकार के स्तंभ हैं, एक तो जिस पे बौद्ध लिपियां लिखी हुई हैं, लिपियां आप या कह लीजिए कि जो प्रशासकीय नीति है उसका अंकन है, और एक तो खाली है, मान लीजिए प्रशासकीय नीतियां हैं, और एक सादी हैं, सादे स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख हैं। इन्हीं स्तंभ लेख को लेकर के, लेखों के अभिलेख को लेकर के, सादे स्तंभ लेख को लेकर के कई बार इस बात को कहा गया है कि ये ईरानी कला से जो है वो प्रभावित रहे हैं, है ना? तो क्या था इस स्तंभ कला के सेक्शन को हम लोग देखते हैं, डिवाइड करते हैं कि कैसा ये स्तंभ कला था, समझिए। जैसे मान लो हुआ कि ये जो पार्ट था जहां से निकलता था वो तो ओरिजिन था ही, ये पत्थर का था यष्टि, और यहां पर एक बेस बना रहता था, और अवांगमुखी कमल, उल्टा कमल आप कह सकते हैं जिसे, अगर आप देखेंगे अवांगमुखी कमल, उल्टा कमल जिसे आप कहते हैं, हमारे यहां आध्यात्मिक महत्व है, दुर्गा जी को जब चढ़ता है तो कमल को ऐसे पंखुड़ियां निकाल करके, पंखुड़ियां ऐसे पलट करके चढ़ाया जाता है, तो भारतीय आध्यात्मिक प्रक्रिया से इसे आप जोड़ सकते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है ये, है ना? और उसके बाद ये आपको दिखाई देगा चबूतरा टाइप का, और इस पे तो पशु आकृतियां हैं, तो पशु आकृतियां हैं, आप इसे प्रतीक रूप में समझे, बना पाना तो संभव नहीं है लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, पशु आकृतियां हैं। और इन्हीं पे लेख लिखे हुए हैं, है ना? इन पे लेख लिखे हुए हैं,
पशु आकृतियां भी आप जानते रहिए कि विशेष महत्व के हैं, प्रतीकात्मक हैं, इनका महत्व है। और ये जो प्रतीकात्मक हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हाथी है, हाथी का अंकन है, अश्व का अंकन है, बैल का अंकन है ना, सिंह का अंकन है, मुख्य रूप से इन चार का है और इन चारों का अपना अपना महत्व है। जैसे हस्ती का अंकन गर्भावस्था से संबंधित है, बैल का जन्म से संबंधित है, अश्व का गृह त्याग से संबंधित है, सिंह का आचार्यत्व की प्राप्ति से संबंधित है। और इन चारों पशुओं को लिखा गया है, रखा गया है, अलग अलग स्तंभों पे अलग अलग पशु आकृतियां हैं। जैसे आप मान लीजिए सारनाथ में आप देखिए चार सिंह हैं, सभी लोग देखे होंगे, इसीलिए हमने सबसे जो चर्चित नाम ही बताया आपको। रामपुरवा में वृषभ है, रामपुरवा में वृषभ है। यानी सिर्फ ये लिख देने की जरूरत है कि इस पे पशु आकृतियां रहती थीं, है ना, पशु आकृतियों का अंकन था, जो कि बौद्ध में या भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा में उनका एक विशेष महत्व होता था या उनका एक विशेष योगदान होता था। क्लियर हो गई बात हमारी, समझ में आई कि नहीं? तो स्तंभ कला के सेक्शन को आप समझिए, यष्टि का पार्ट हो गया, दंड का अवांग मुखी कमल हो गया, और उसके बाद एक चबूतरा और उसके ऊपर पशु आकृतियां। और इसी स्तंभ कला को बहुत सारे पाश्चात्य जो लेखक हैं वो ये मानते हैं कि यह कला ईरानी कला से प्रभावित रही है। क्यों? क्योंकि इस पे जो बात लिखी गई वो ऐसे लिखी हुई है कि देवताओं का प्रिय राजा, जैसे देवानाम प्रिय अशोक या देवानाम प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है। और डेरियस का जब अभिलेख आप प्राप्त करेंगे तो शुरुआती दौर भी लिखा जाता है कि देवताओं का प्रिय राजा डेरियस ऐसा कहता है। तो माना गया कि ये जो कि लेख है वो ईरानी प्रथा से प्रेरित था, खास करके वहाँ भी पत्थर थे, यहाँ भी पत्थर के ही हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को आरोप लगाया कि जो मौर्य कला है वो ईरानी कला से मिलती जुलती है, लेकिन हम देखेंगे कि मौर्य कला और ईरानी कला में बहुत अंतर है। क्या क्या अंतर है, उन अंतर को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या मौर्य स्तंभ कला और ईरानी कला में कोई अंतर है, ईरानी स्तंभ कला में कोई अंतर दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि कई कला के बिंदु आपको दिखाई देंगे। जैसे नंबर एक की बात करें, सबसे पहले तो जो मौर्य जो स्तंभ हैं वो एकाश्मक हैं, मोनोलिथिक हैं, स्तंभ एकाश्मक हैं, मोनोलिथिक हैं, यानी एक ही पत्थर से काट करके बनाए हुए हैं। जबकि जो ईरानी हैं, ईरानी में पत्थरों को जोड़ा गया है। पहला तो अंतर आपको यही दिखाई देगा। दूसरा अंतर अगर आप देखिए तो जो मौर्य स्तंभ हैं वो आप ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर हैं, मौर्य स्तंभ सार्वजनिक स्थानों पर हैं। और ईरानी कहाँ हैं, ईरानी भवनों में लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये निश्चित रूप से कम इसका जो कंटेंट ऐसा था वो आम जनता के लिए था, उनको संबोधित था। तीसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि मौर्यों पर पशु आकृतियां हैं और जो ईरानी स्तंभ लेख हैं उस पे मानव हैं, ईरानी पे मानव हैं। क्लियर? आप ईरानी लेखों को देखेंगे तो ऊपर से नीचे जो है वो एक साइज के आपको दिखाई देंगे, एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे ईरानी कला को अगर आप देखेंगे। क्लियर है? लेकिन जो अशोक के लेख हैं ऊपर से नीचे आप देखेंगे
तो नीचे से ऊपर जो है वो पतले होते गए हैं, यानी इसमें इसमें भी अंतर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पत्थर है ईरानी वो एक जैसे है, ऊपर से नीचे एक चौड़ाई है, ऊपर से नीचे चौड़ाई एक है, जबकि जो अशोक के पत्थर है वो क्या है, वो पतले होते चले गए हैं। तो ये एक अंतर है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया कि जो ईरानी पॉलिश है वो पॉलिश चमकदार है, भारत में चमकदार पॉलिश इसके पहले नहीं दिखाई देती ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको बताऊं कि अब यह भी मत नहीं माना जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने इस पर शोध किया और बताया कि महाभारत का जो आपस्तंभ सूत्र है, आपस्तंभ सूत्र में इस तरह की पॉलिश की व्यवस्था है, और ये माना जा सकता है कि वहाँ से ये लिया गया होगा, यानी उसको भी हम लोग मानते हैं कि भारतीय परंपरा का था। और इन चार पांच जो मौलिक हमने आपको अंतर बताया, इस अंतर से हम ये कह सकते हैं कि जो मौर्य कला है वो ईरानी कला से प्रभावित नहीं थी, है ना, या उस पर कम से कम अनुकरण नहीं थी, थोड़ा बहुत प्रभाव अगर दिखता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौर्य कला में और ईरानी कला में मौलिक अंतर था, ये बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। श्योर, तो ये रहा आपका स्तंभ कला के बाद। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्तूप कला की बात करते हैं। निश्चित रूप से अगर साहित्य देखेंगे तो साहित्य में तो कहा गया अशोक को कि उसने 84,000 स्तूप बनवाए, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। और अगर 84,000 स्तूप बनवाए तो आप ये सोच सकते हैं कि कम से कम वो उसकी पुष्टि तो नहीं होती, साहित्य में कुछ हाइपरबोलिक हो गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्तूप अशोक ने जरूर बनवाए, 84,000 भले नहीं बनवाए होंगे, न कम से कम उसकी पुष्टि या प्रतिपुष्टि तो नहीं ही होती है। क्लियर है? तो स्तूप क्या होता है आपको बताऊं, स्तूप होता है बौद्ध, बौद्ध संस्मारक कहा जाए, बौद्ध बुद्धिस्ट मेमोरियल संस्मारक। क्लियर है? और यानी बुद्ध से संबंधित उनके स्मरण में या बौद्ध संतों के स्मरण में जो बनाए गए संस्मारक, उसे क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। ये तीन प्रकार के स्तूप हुए, है ना, बहुत सारे लोग चार भी प्रकार के कहते हैं, लेकिन तीन प्रमुख प्रकार हैं उसे आप जानिए। वो जो प्रकार हैं आप समझें कौन कौन से हैं। पहली चीज तो शारीरिक हैं, शारीरिक। दूसरी हैं पारभौगिक, पारभौगिक। और तीसरा प्रकार है परिकल्पित का, परिकल्पित का, हाइपोथेटिकल। शारीरिक, पारभौगिक और परिकल्पित, ये तीन प्रकार के बुद्धिस्ट संस्मारक हैं। क्लियर है? स्तूप, देखो शब्द तो स्पेशली ऋग्वेद से ही मिलता है, यहां पे इसको इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। उस लेवल पे आप जब जहां 200-300 शब्द में सारी चीजों को लिखना है तो इलाबोरेशन की भी एक सीमा है। बाकी आप जब रेगुलर क्लास में रहेंगे तो हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, जितने भी चर्चा आप कर सकते हैं। लेकिन जो परिच्छोपयोगी है, जिस पे आपको एक स्टूडेंट को कंसंट्रेट करना है, उसकी अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये इतना लिख दिया, बौद्ध संस्मारक है बहुत हैं। तीन प्रकार हैं इसके। कैसे? शारीरिक मतलब ये है कि बुद्ध के, भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों से, शरीर के अवशेषों से संबंधित हों, 7-8 स्थानों पर हैं ये, अवशेषों से संबंधित हों। और थोड़ा सा हमको और मॉडिफिकेशन करना चाहिए, बुद्ध कह लीजिए या उनके जो संत हैं या जो बड़े शिष्य हैं, संतों के भी शारीरिक ही कहलाएंगे, यानी मान लीजिए दांत है, हड्डियां हैं, राख है, वो सब मिला करके अगर रखा हुआ है तो निश्चित रूप से किसी संत का या बुद्ध का तो ये माना जाएगा कि वो शारीरिक है। पारभौगिक, जैसा नाम है कि उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं, उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए स्तूप में अगर कुछ वो बस्तियां वस्तु हैं, उन वस्तु को अगर प्रयुक्त कर लिया जाए तो
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि पारभौगिक स्तूप कहेंगे। और परिकल्पित का मतलब ये होता है कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कला ना देखें, ये धार्मिक महत्व संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन चीजों का महत्व या इन चीजों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। श्योर है। परिकल्पित क्या है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ धार्मिक भावना जो है बहुत ही वो मारती है, उबाल मारती है। तो मालूम हुआ कोई भक्त गया किसी बड़े के पास, उसने एक छोटा सा स्तूप बना दिया, कल्पना के द्वारा ही बना दिया, तो निश्चित रूप से बड़े स्तूपों के साथ कल्पना करके जो आम जनता है या वो बनवाती है तो उसे हम लोग परिकल्पित स्तूप कहते हैं। स्तूप की क्या संरचना होती है, आइए हम लोग चर्चा करें। यहाँ पे थोड़ा सा 2D में हम बनाते हैं, 3D, 2D और 3D का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। तो आपको बताऊं कि जहां से ये स्तूप निकलता है, अंड आप कह सकते हैं, जो ओरिजिनल पार्ट होता है ना, सेमी स्फेरिकल ये स्तूप कह दीजिए, या यष्टि इसमें भी रहता है, ऊंचाई पे ही रहता है कई बार, और ये हर्मिका रहा, और इसके ऊपर छत्र रहता है ना। और निश्चित रूप से अब थोड़ा सा कल्पना करना होगा, 2D चारों तरफ वेदिका रहती है, वेदिका, और इनमें प्रवेश के लिए ये तोरण द्वार लगे रहते हैं, तोरण द्वार, ये झंडे वंडे बिना करके ये तोरण द्वार एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये उसकी भव्यता पे है कि कैसे तोरण द्वार बनाए गए। और ये जो वेदिका होता है, उसी वेदिका के चारों तरफ आप जानते ही हैं हमारे यहाँ उसका परिक्रमा करने की बड़ी वो रहती है, क्या कहते हैं कि भक्तों की बड़ा रहता है। मंदिरों में आप देखते हैं ना, कई बार तो महिलाएं क्या होती हैं कि महिलाएं भाई कोई भी हो सकता है, ये नहीं सोचेगा कि सर ने कोई भेदभाव रखा है। मालूम हुआ कि वो बातचीत करते करते 3 फेरे की जगह पे 5 फेरे लगा गई, उनको याद ही नहीं है कि 5 लगाया कि 3 लगाया कि 7 लगाया। उसका एक अपना वो है, क्या कहते हैं कि परंपराएं हैं। तो इन वेदिका के चारों तरफ आप ये कह सकते हैं कि परिक्रमा लगाया जाता था। और इस पूरे स्तूप का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो हर्मिका होता था, ये चांदी या सोने के बर्तन का होता था, कम से कम 30-40 फीट ऊंचाई पर होता था ये। और हर्मिका में ही वो जो हमने बोला ना शारीरिक और पारिभौगिक, तो जो क्या कहते हैं कि शारीरिक है तो अंग रहेगा, शरीर का अंग कोई निशान, अंग क्या हड्डी आप कह सकते हैं, अंग कहना तो ठीक नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं शरीर का भाग कहिए, अंग तो भाई जिंदा है तो अंग है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं शरीर का भाग है कोई, ठीक है, या आप प्रयुक्त की हुई वस्तु है, प्रयुक्त की गई वस्तु है। और इस पे आप देखोगे कि 3 ही छत्र मिलेगा, 3 छत्र बौद्ध त्रिरत्न के प्रतीक हैं, किसके, बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्ध, धम्मम शरणम गच्छामि धम्म, और संघम शरणम गच्छामि बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक हैं। ये स्तूप का एक बाइसेक्शन आप कह सकते हो, 2 डायमेंशंस में आपको हमने दिखाया यहाँ पे, क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा और अंदर आइए, जैसे ही आप अंदर देखते हो, जैसे तोरण द्वार यानी एंट्री गेट से घुसोगे तो आपको यहाँ पे एक से एक अप्सराएं दिखाई देंगी। अब इसको अप्सरा ही समझो, अब क्या करोगे, ऐसे बाल बाल निकाल दे रहा हूँ है। और कई बार आप देखेंगे तो ये बड़ी उन्मुक्त अवस्था में आपको दिखाई देती हैं, है ना, भोग की अवस्था में, मालूम हुआ कि अर्धनग्न हैं और जो है क्या कर रहे हैं कि
सालभंजिकाएं इन्हें कहा गया, अप्सराएं कहा गया। सालभंजिकाएं विभिन्न मुद्राओं में आपको दिखाई देंगी, ये सालभंजिकाएं हैं। सालभंजिकाएं है ना, तो ये दिखाई देती हैं आपको इस पे। अब आप कहेंगे कि सर इतनी आध्यात्मिक स्तर पे इनकी क्या आवश्यकता है, तो चीजों को समझने की जरूरत है। वास्तव में अगर आप बात करोगे तो ये जो हैं सांसारिकता की प्रतीक हैं, बाहरी भाग में है ना, तो बाहर की जो सालभंजिकाएं हैं वो सांसारिकता की प्रतीक हैं, सांसारिकता की प्रतीक हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जो अंदर आप देखोगे जो आध्यात्मिक शांति है, यानी बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ त्रिरत्न को मानने के बाद आंतरिक भाग में स्पिरिचुअल शांति आपको दिखाई देगी, लेकिन बाह्य की जो सालभंजिकाएं हैं उनकी व्याख्या सांसारिकता के रूप में की गई है। फिलहाल सांची का स्तूप और जो है सारनाथ का जो स्तूप है, धर्मराज स्तूप, ये स्तूप बनाया गया अशोक के द्वारा, मिट्टी अरे ईंटों से बनाया गया, और फिर आगे चल करके आप कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार हुआ सुंगों के काल में, कुषाणों के काल में, तो वो परंपरा चलती रही। क्लियर है? तो राजकीय जो कला थी, राज दरबारी कला थी, उसके हमने विभिन्न आस्पेक्ट को बताया। इसके बाद अगर आप बात करें तो इसके बाद बात होती है जो लोक कला है, फोक आर्ट है, और हमने आपको बताया कि वास्तव में मौर्य काल में लोक कला उतनी अभिव्यक्त नहीं हो पाई है ना। आपको बताऊं, दरबारी कला में हम लोगों को एक और पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, यहां मैं डिस्कस कर दे रहा हूं फिलहाल, और वो क्या है, बहुत हल्का ही पार्ट है लेकिन मुझे लगता है जरूर करना चाहिए आपको। गुफा कला ये अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ही सही लेकिन छूट जाएगा। बाराबर की पहाड़ियों पे आपको मिलेगा, अशोक के समय में और दशरथ के समय में, दोनों पे बाराबर हिल्स पे गुफाओं को काट करके बनाया गया ये, ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा अंदर जाएंगे तो, बाहर से तो ऐसे ही दिखाई देगा, थोड़ा सा ये तोरण टाइप का आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और कई हैं जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चोपण गुफा, विश्व झोपड़ी, ये सब गुफाओं के नाम हैं, विश्व झोपड़ी। और निश्चित रूप से चाहे वो अशोक हो चाहे दशरथ हो, गुहा काट करके रखा गया है एक कमरे टाइप का अंदर, और उन पे भी बौद्ध प्रतीक हैं। ये आजीवकों को दिए गए हैं स्पेशली, ये जो गुफा कला है वो आजीवक से संबंधित है। क्लियर है? तो हल्की सी चर्चा कर देनी है, बहुत विकसित तो नहीं हुआ लेकिन आजीवकों की बात कर देनी है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे लोक कला में स्पेशली यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। किसकी? आप ये कह सकते हैं मिट्टी की मिली हुई हैं, और तांबे कांसे की भी मिली हुई हैं, और यक्ष यक्षिणियों के बारे में विभिन्न प्रकार के जो लोकाचार विचार थे भारतीय समाज में, उन्हीं की ये अभिव्यक्ति है ना। आज भी आप देखिए गांव में चले जाइए तो आपको कम से कम जो पूर्वांचल है यूपी का और बिहार है, हर गांव की अपनी एक कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, यक्ष यक्षिणी है ना। तो उन सब के हिसाब से भी आपको मूर्तियां वहां पे मिल जाएंगी। आपको आज भी जो भी आध्यात्मिक चेतना वाले में हैं वो इस बात को कहते हैं, उनका आह्वान भी कहते हैं, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल ग्राम और जो सारी चीज़ें हैं सारे देवी देवताओं का उनका इसमें है। ये लोकाचार है, लोक कला है, फोक आर्ट है, इसका सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका कला का सेक्शन हो गया जो कि मौर्य कला में ये देखना है। ये इसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सी कम है, और वो उसका कारण जो हमने आपको बताया वो सिर्फ यही है कि जब इनके पास इकोनॉमिक सरप्लस नहीं था तो वो अभिव्यक्ति आपको अपेक्षाकृत कम दिखाई देगी। बस एक आध जगह नाम लिख लीजिए, मथुरा, पटना, दीदारगंज है ना, तो
बस बहुत है ये लोक कला 50 वर्ड के लिए स्टेज, अलग से कभी पूछा ही नहीं जाएगा, और अलग से अगर पूछेगा तो वहीं से कोरिलेट करके 50 शब्द वहाँ और 50 शब्द यहाँ, इससे मिला करके आप लिखेंगे तो कला का सेक्शन मौर्य कला का कंप्लीट हो जाएगा। श्योर है, राइट। तो कला के विविध पक्षों के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है ना। आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन, पहले एक एक सेगमेंट को हम लोग समझ लें, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग कल सेलेक्टिव जो है कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और वहां पे आप देखेंगे कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। इसकी संभावना तो एकदम नहीं है कि सीधे पूछ दे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की भी विवेचना करें, जरूर कुछ ना कुछ उसमें कोरिलेट करके पूछेगा ही, चाहे वो अशोक की धम्म नीति से जोड़ दे, चाहे अहिंसा नीति से जोड़ दे, चाहे किसी से जोड़ दे, डायरेक्टली नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, आज भी आप कह सकते हो कि सर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, हम यूपीएससी की बात कर रहे थे, और निश्चित रूप से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये आ जाए ऑप्शनल में कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करिए, तो हैरानी होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल भी पूछा जाता है, है ना। अब यूपीएससी में भी पूछ ले तो क्या मना थोड़ी करेंगे आप, लेकिन यूपीएससी का जो पूछने का जो मूड है थोड़ा सा ट्विस्ट करके रहता है। हम लोग कल क्वेश्चन आंसर सेशन की स्पेशल चर्चा करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ सर, इस क्लास के क्लासेस के बाद अगर हम उसको कर लेते हैं तो हम और बेहतर ढंग में या और बेहतर एस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण थे। आप देखो, बहुत सारे लोग जो बी ए एम ए वाले हैं वो इस बात को कहते हैं कि सर पतन का तो हम किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण लिख दें, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार जो पतन के कारण होते हैं वो प्रायः एक जैसे होते हैं, वो भी राजतंत्रात्मक प्रशासन पद्धति के जो कारण हैं वो प्रायः एक ही जैसे होते हैं। आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि जो राजतंत्र होता है वो व्यक्ति पर आधारित होता है। अगर व्यक्ति योग्य है तब तो ठीक है, और अगर अयोग्य है तो तुरंत वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो आइए हम लोग बात करें किन किन बिंदुओं पर ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला जो कारण आप देखेंगे वो यही आपको दिखाई देगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी है ना, पहला कारण तो लोग यही मानते हैं कि साहब ये अयोग्य उत्तराधिकारी थे। सामान्यतः हर साम्राज्य के पतन में ये मामला फिट हो जाएगा। कुछ लोग इस बात को दूसरा कारण ये भी मानते हैं कि ब्राह्मणों के प्रतिक्रिया थी, हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात जानते रहिए, हम अगर आपको बता भी देने कि फलाने इतिहासकार ने ऐसा कहा था, आपको एकदम लिखने की जरूरत नहीं है। तथ्यात्मक नहीं, वैचारिक मूल्यांकन होता है मेंस का। ये लिख देंगे कि हेमचंद राय चौधरी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में इस बात को बताया है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, तो ये इससे कहिए कि 1% नंबर ज़्यादा मिल जाए, एकदम नहीं मिलेगा, बल्कि आपका वर्ड लिमिट का बजट जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए सीधे आप ऐसे कहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कई मत उभर करके आए हैं, और फिर एक एक मत की चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया मानी गई। एक माना गया कि जो अशोक की शांति और अहिंसा की नीति थी, अशोक की शांति और अहिंसा की नीति थी, एक कारण यह भी दिया गया। एक एक कारण की हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक कारण यह दिया गया कि जटिल नौकरशाही थी, जटिल नौकरशाही थी। एक कारण यह दिया गया कि राजकोषीय दबाव था, राजकोषीय दबाव था। एक कारण यह भी दिया गया कि राजकोषीय दबाव के साथ अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियां थीं
विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ। ये थोड़ा सा नया आपको टॉपिक बात लगेगी, लेकिन जानिए। और एक शोध है इस पे, विदेशी विचारों का के विरुद्ध प्रतिक्रिया। सब सही नहीं है, बस इतने व्यू उभर करके आए हैं, विदेशी विचारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। विरुद्ध प्रतिक्रिया एक एक बिंदु को देखने की जरूरत है। जैसे अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, ऑफ कोर्स अयोग्य उत्तराधिकारी किसी भी केंद्रीकृत प्रशासन के पतन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अशोक के बाद के उत्तराधिकारी कमजोर थे और वो मौर्य केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं सके। नंबर एक, क्लियर है? याद रखिएगा, अशोक के पहले दो प्रकार की पॉलिसीज आई गई। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो रक्त एवं लौह की नीति थी, उसके द्वारा अशोक के समय तक मौर्य प्रशासन को या मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा गया। अशोक ने उसमें संशोधन किया, धम्म की नीति के द्वारा उसने प्रशासन को बनाए रखा। दोनों नीतियों से मौर्य साम्राज्य बना हुआ था, लेकिन यह अशोक के कमजोर अधिकारी थे जिन्होंने ना तो धम्म की नीति का पालन कर सके, ना तो रक्त एवं लौह की नीति का पालन कर सके, और ना ही कोई ऐसी वैकल्पिक नीति बना सके जो कि मौर्य साम्राज्य को क्या कर पाता, सुरक्षित कर पाता। इसलिए अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ी या सॉरी जो तत्कालिक भूमिका आपको दिखाई देती है वो किसमें दिखाई देती है, अयोग्य उत्तराधिकारियों में दिखाई देती है, राइट? अब आइए दूसरे मत को बात करते हैं, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का क्या आधार है, क्यों कहा गया कि यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, आइए बात करते हैं। पहली बात, कोई भी मत को तथ्य के रूप में लिखने की जगह पर आपको तर्क के रूप में लिखना चाहिए, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी या नहीं थी। तो किन आधारों पर कहा गया, तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो यही कह दिया गया कि पुष्यमित्र सुंग ने विरोध किया था, बृहद्रथ को मारा था, और आप जानते हैं कि यह ब्राह्मण था। तो यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि अशोक ने क्या किया कि जो पुरोहित थे, या जो श्रमण थे, उनके विशेषाधिकारों में कटौती की, तीसरा तर्क ये दिया गया कि नहीं, अशोक ने धम्म नीति को प्राथमिकता दे दी, और ये सारी बातें ब्राह्मणों के अगेंस्ट गई, धम्म नीति को प्राथमिकता दी, ये तर्क दिया गया है। जब तक आप इन तर्कों को नहीं लिखेंगे, तब तक ये लिख देना कि इस मत को हेमचंद राय चौधरी ने दिया, ये तार्किक नहीं है। आपको लिखना होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में एक मत यह भी उभर करके आया है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, और इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इन सारे तर्कों की चर्चा करिएगा और फिर इसकी बात करिएगा कि यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो ये तार्किक नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, आइए हम सबसे पहली बात, पहली ही बात से शुरुआत करते हैं। जैसे पुष्यमित्र सुंग ने विरोध किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए पुष्यमित्र सुंग सेनापति था। पुष्यमित्र सुंग का सेनापति के पद पर पहुंचना ही इस बात को बताता है कि ब्राह्मणों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। अगर वो भेदभाव होता तो क्या सेनापति के पद पर पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो भी अशोक की धम्म नीति थी वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर की गई थी। वो एक ऐसी नैतिक आचार संहिता लाने का प्रयास कर रहा था, उसका दृष्टिकोण व्यापक था, वो किसी को टारगेट करके नहीं लाया था। क्लियर है? अगर ये कहा जाए, उसने तो हमेशा इस बात को कहा कि ब्राह्मणों श्रमणों इनके साथ उचित व्यवहार किया जाए, है ना?
अब अगर मान लीजिए कि कोई विशेषाधिकार ऑलरेडी पा रहा है और उसको समानता के अधिकार पे लाया जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके अधिकारों के साथ या उसका अपमान किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया नहीं थी। क्लियर है? इस तरह से तर्कों को रखने की बात है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि यह अशोक के शांति एवं अहिंसा की नीति, धम्म नीति जो शांति और अहिंसा की नीति थे, उसका परिणाम था, तो मैं फिर कहूंगा, कल भी आपको धम्म नीति के संदर्भ में इसकी व्यापक चर्चा किया था कि ऐसा कुछ नहीं था। निश्चित रूप से धम्म नीति को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, भेरी घोष नीति को त्याग दिए जाने के कारण, आप ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की प्राथमिकताएं बदल गई, है ना। वो उतना अनुभव में नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो नीति थी वो किसी भी तरीके से कमजोरी की नीति नहीं थी। सेना बनी रही, मृत्युदंड दिए जाने लगे, है ना, और कहीं भी हमें विद्रोह की जो सूचना नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में हमें कह सकते हैं कि अशोक की अहिंसा की नीति ने कम से कम उसके समय तक साम्राज्य को कभी भी कमजोर नहीं किया। इसलिए हम अशोक की शांति एवं अहिंसा नीति को भी सीधे पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। क्लियर है? अगर ऐसा मिलता कि भाई चलिए ठीक है, उसकी वजह से ये विद्रोह हो गया और वो दबा नहीं पाया, तो हम ये बात कह सकते थे। क्लियर है? तो ये भी पार्ट हो गया। अब रही बात ये जटिल नौकरशाही को, इस बात को जरूर ठीक से समझने की जरूरत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप देखेंगे कि मौर्यों के समय में जटिल नौकरशाही थी, है ना, जटिल नौकरशाही थी। और जब जटिल नौकरशाही होगी तो इसे दो संदर्भों में देखने की जरूरत है। पहले तो निश्चित रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा राज्य पे, तो राज्य इकोनॉमिकली कमजोर होगा। चलिए, एक बात तो यह है। दूसरी बात, निश्चित रूप से नौकरशाही का उत्पीड़न था। हम कैसे मानते हैं, खुद इसके लक्षण हैं, नौकरशाही का उत्पीड़न था। आइए देखते हैं कैसे। जब बिंदुसार के समय में विद्रोह हो रहा था, तो जब तक्षशिला गया अशोक, तो वहां की जनता ने कहा कि मुझे राजा से नहीं कोई समस्या है, बल्कि यहां के अधिकारी जो है हमारा शोषण करते हैं। नंबर एक, ये इंडिकेशन है कि नौकरशाही शोषण कर रही है। दूसरी बात, अशोक खुद कहता है कि अपने अधिकारियों को तुम जाओ और देखो कि कहीं स्थानीय स्तर पर किसी को गलत निर्णय की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब है कि नौकरशाही चूक करती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, वैसे आपको बताऊं, आप फंसेंगे, रोमिला थापर जैसी लोग तो वे कहते हैं कि जैसे आधुनिक IAS की जो परीक्षा होती है उस टाइप की परीक्षा नहीं होती थी। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से इस तरह की अपेक्षा करना कि IAS की तरह से, UPSC की तरह से एग्जाम होगा, संघ लोक सेवा आयोग वहां बैठ जाएगा, ये अपेक्षा तो गलत है, है ना। और ऐसा नहीं है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखिए तो अधिकारियों की योग्यताओं के लिए बड़े कड़े मापदंड अपनाए गए हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जटिल नौकरशाही ने प्रशासन पर दबाव बनाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइए, दूसरा पहला राजकोषीय दबाव, इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। कुछ नए रिसर्चेज हैं, इन नए रिसर्चेज को भी जानने की जरूरत है। पहली बात, जो राजकोषीय दबाव की बात आप करते हो, फिस्कल प्रेशर की बात, तो जो राजकोषीय दबाव था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजकोषीय दबाव था। दो बातों से, अभी तो हमने पहले ही बात कहा कि जो राजकोषीय दबाव था, सबको नगद वेतन दिया जाता था, तो नगद वेतन दिए जाए, अधिकारियों को दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से दबाव तो रहेगा ही रहेगा। नगद वेतन दिया जाता था, जटिल नौकरशाही थी, पिछले ही पॉइंट में आपने कहा, तो दबाव तो रहा ही होगा। मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण आपको बताता हूं। न्यूमिस्मेटिक्स, जो उस समय चांदी के सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के, चांदी के सिक्कों में, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि चांदी के सिक्कों में चांदी की कमी लगातार दिखाई दे रही है, चांदी की कमी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है क्या कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ही है। लेकिन एक बात और कहूंगा, यहीं पे नोट करने की जरूरत है,
है ना, मैंने पहले स्टार लगवा दिया, वो ये कि एक तरफ चांदी के सिक्के में चांदी की कमी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम मौर्यों के सामान्य भौतिक जीवन की बात करें तो उसमें गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि यह राजकोषीय नीति का परिणाम हो कि सरकार चांदी की मात्रा को कम कर रही हो, लेकिन चाहे जो भी हो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें जो है क्या था कि कहीं ना कहीं राजकोषीय दबाव था। तो राजकोषीय दबाव के साथ एक और भी बात हम अपना कहेंगे, जरूर कहना चाहेंगे इसी में पॉइंट में, अब अलग अलग हम बात नहीं रखना चाहते, इसी में 5A मान लीजिए और 5B मान लीजिए। 5B में राजकोषीय संदर्भ में एक बात और जानने की जरूरत है कि जो आर्थिक विकास का स्तर गंगा घाटी के क्षेत्रों का था वो आर्थिक विकास का स्तर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का नहीं था। तो आर्थिक विकास में जो अंतर होता है तो तनाव में भी अंतर हो, तनाव पैदा करता है। हमेशा आप जानते रहिए जो सापेक्ष गरीबी होती है, जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, वो ज़्यादा पेनफुल होती है, सरकार के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। तो यह भी एक कारण हो सकता है सॉरी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। तो आर्थिक तनाव हमेशा सामाजिक और राजनीतिक तनाव में कन्वर्ट होते हैं। तो राजकोषीय दबाव के संदर्भ में हम इस बात को लिख सकते हैं कि टैक्सेशन तो बराबर था, बात समझो, जो टैक्सेशन गंगा घाटी के क्षेत्रों के लोगों को था वही टैक्सेशन उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र के लोगों को था, और निश्चित रूप से यहां पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। श्योर, बात हमारी समझ में आ रही है? जरूर आनी चाहिए, और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे तो शायद और अच्छे ढंग से समझ में आए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक इस पॉइंट को चलो ले लेते हैं, दो किसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी को ले लेते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों का उदय बहुत वैज्ञानिक और अच्छी सोच है। रामशरण शर्मा जी का ये स्टेटमेंट है, ये मत है, और उनका ये कहना था कि देखिए जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार के दौरान विभिन्न संस्कृतियों का समामेकन हुआ। जाहिर सी बात है गंगा घाटी की जो संस्कृति थी, जो मगध साम्राज्य के लोगों की संस्कृति थी, वो बेहतर थी, इकोनॉमिक लेवल बेहतर था, तो उन लोगों ने अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही जैसे आगे बढ़ा तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रयास प्रभाव था, लौह प्रौद्योगिकी किया गया, उन क्षेत्रों में भी विकास हुआ, उनकी स्थानीय संस्कृतियां भी आगे बढ़ी, और उन लोगों ने एक तरह से क्या किया कि अपनी स्वतंत्र चेतना का प्रयास किया, जो कि मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है, और यह मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संस्थागत कारक था। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस मत को भी माना जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में इस कारक भी की भी भूमिका रही होगी। श्योर, आइए लास्ट बिंदु को देखते हैं कि यह विदेशी विचारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ये स्पेशली जो मत है वो एक कलाविद हैं, निहार रंजन राय का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि मौर्य प्रशासन में विदेशी तत्वों को समाविष्ट किया गया, स्पेशली कला के क्षेत्र में समाविष्ट किया गया, और जब और वो भी किसके द्वारा? दरबार के द्वारा, आम जनता के द्वारा नहीं। और जब राज्य के दरबार के द्वारा विदेशी चीजों को एक्सेप्ट किया गया तो जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसका परिणाम पतन के रूप में दिखाई दिया। बड़ी विचारोत्तेजक बातें हैं लेकिन हम इसे नहीं मानते, है ना। पहली बात, दो बातें हैं। पहली बात तो अभी हमने कला के सेक्शन में आपको बताया कि वास्तव में मौर्य कला ईरान कला से आयातित नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मौर्यों ने ईरान कला को एक इम्पोर्ट कर लिया था, राइट। हमने बेसिक डिफरेंसेस दिखाए थे। मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उस समय इतना एनालिसिस नहीं हुआ और जनता को लगा कि हाँ विदेशी मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि भारत की जनता इतनी मजबूत थी, इतनी लॉजिकल थी कि वो जो है वो क्या करना है कि विदेशी चीजों को, कला को अस्वीकृत करके विरोध कर देती? निश्चित रूप से उस समय संचेतना का वह स्तर नहीं था, इसलिए यह एक विचार हो सकता है लेकिन इसकी संभावना जो है वो क्या है, छीणतम ही है। तो आपने देखा कि इस पूरी एनालिसिस में कुछ फैक्टर्स को तो हमने एकदम रिजेक्ट कर दिया, जैसे इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। इसमें भी हमने केवल प्राथमिकता चेंज करने की बात को ही माना, इसको कर दिया, तो कुछ को एक निहार रंजन राय वाली बातों को अस्वीकृत कर दिया। ये मत आए जरूर लेकिन वास्तव में मौर्य साम्राज्य की पतन की व्याख्या के लिए ये उतने सुटेबल नहीं माने जा सकते। कुछ ऐसे थे जिनको हमने इजीली एक्सेप्ट कर दिया,
जैसे अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना, जटिल नौकरशाही होना, राजकोषीय दबाव का होना, विभिन्न संस्कृतियों का उदय का होना, ये ऐसे कारण थे जिन्होंने वास्तव में मौर्य साम्राज्य के पतन को क्या किया, जरूर प्रभावित किया होगा। क्लियर है? तो अब निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा? जाहिर सी बात है, निष्कर्ष लिखा जाएगा इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं था, बल्कि यह कई कारकों का क्या कहते हैं कि का संयुक्त परिणाम था। और इसमें निश्चित रूप से जब आप सफलता के लिए क्रेडिट देते हो शासक को, तो असफलता के लिए और फेल्योर के लिए भी आपको अयोग्य उत्तराधिकारियों की बात को रख सकते थे। यानी ये जो अन्य संस्थागत कारक हैं उन पर नियंत्रण तब किया जा सकता था अगर शासक योग्य होता या किसी वैकल्पिक नीति को ले आ पाता। बात समझ आ रही? ये अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं हो पाए और इसलिए अंततः मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, बिखर गया। राइट? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन पहलुओं को भी बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। कुछ छोटे छोटे पहलू और हैं, लेकिन हम लोग उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं यही प्रोसेस रहेगा, यही स्तर रहेगा आप लोगों के लिए, ये एक सुटेबल क्लास लगी होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और कल की क्लास में जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य पे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके, फिर कल की क्लास में मिलते हैं।